माई चैनल ग्लैम्बी तो जाला। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो की कुर्ती सेट एंड एक ना मैंने विग भी लिया है मीशो से एंड मुझे बस चेक करनी थी कि उसकी क्वालिटी कैसी आती है क्योंकि विग्स तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे मीशो पे बट मुझे डाउट था कि हाँ यार क्वालिटी पता नहीं कैसी होगी। तो जैसी भी रिसीव हुई है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। एंड गाइज ये जो कुर्ती मैंने पहना है ना अगेन मीशो की है एंड मीशो हॉल में आपको इसकी कोड मिल जाएगी एंड मीशो की मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप उसमें जाओगे ना आपको सिर्फ मीशो रिलेटेड वीडियोस ही मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइज अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी हिट कर ले ताकि मैं आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो वीक मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये कुछ तरह से मुझे मिली है एंड मुझे बस इसकी क्वालिटी देखनी थी इससे मैंने इसे लिया है। बट गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है मुझे एंड आप देख सकते हो इस तरह की है, सी इस तरह की इसकी बैक पोर्शन है, ब्राउन कलर में है एंड थोड़ी सी ना यहाँ पे हाईलाइट भी किए हुए हेयर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। जिनके भी शॉर्ट हेयर्स हैं ना आप इसे लगा सकते हो एंड बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके शॉर्ट हेयर्स हैं। पीछे घूम कर दिखा देती हूँ, सही इस तरह से लगेंगे। एंड इसमें ना आपको अटैच करने के लिए यहाँ आपको अटैच करने के लिए ना 5 पिन्स मिल जाएंगे जिनकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इनकी। इस तरह के टिक टैक पिन्स हैं और आपको बहुत ही अच्छे से ये अटैच हो जाएगी। अगर आप चाहो ना तो नीचे की तरफ से भी आप इसे अटैच कर सकते हो हेयर को वॉल्यूम देने के लिए। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। मैं ना आपको बहुत सारे वीक्स मिल जाएंगे, अगर आप पोनी टेल वाला लेना चाहो ना तो आप वो भी ले सकते हो बट इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी की मैंने मुझे नहीं पता, अगर आप ये वाली चाहो तो ले सकते हो, इसकी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक्सेसरीज बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है उनकी, खास करके इनकी जो ज्वेलरीज होती है ना मुझे बहुत ही सही लगती है क्योंकि प्राइस ना बहुत ही अच्छी आपको मिल जाती है एंड उस अकॉर्डिंग क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी रिसीव होती है। मीशो पे ना आप ज्वेलरीज चेक कर सकते हो, बहुत ही सही मिलेगी आपको। मैं आपको कुर्ती दिखा दूं, ये है कुर्ती सेट पिंक कलर का एंड ये जो कुर्ती है ना मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि इसकी जो इमेज थी ना नेहा कक्कड़ ने पहन रखा था इसे, तो बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी एंड मेरा खुद का भी मन हो रहा था कि यार लेकर देखो क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कोई पिंक कलर नहीं लिया था। तो ये प्लाजो कुर्ती और दुपट्टा का सेट है एंड इसमें आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं जो कुर्ती की है ना प्रिंट उससे मैच करते हुए। कुर्ती की जो मटेरियल है ना गाइस रेयॉन कॉटन है एंड ये इस तरह की है, आप देख सकते हो राउंड नेक के साथ आती है एंड इसमें आपको 3/4 स्लीव मिल जाएंगे एंड इस पर ऑल ओवर आप देख सकते हो गोल्डन प्रिंट मिल जाएंगे एंड यहाँ साइड में ना आपको गोटा पट्टी मिल जाएगी, साइड की भी स्लीव्स आपको मिल जाएंगे इस तरह से एंड फ्रंट से इस तरह के वर्क है, इस पर बीच में आप देख सकते हो इस तरह की गोटा पट्टी है एंड नीचे जो है ना आपको फ्रंट स्लिट मिल जाएगी यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है एंड आप देख सकते हो इस तरह की गोटा पट्टी है। प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसमें आपको ग्रीन गोल्डन और ऑरेंज कलर की प्रिंट मिल जाएगी, आप देख सकते हो इस तरह से एंड इसकी सिलाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सी इस तरह की है, इंटरलॉकिंग है एंड इसकी जो बैक पोर्शन है ना वो भी मैं आपको दिखा दूँ, सी इस तरह की बैक पोर्शन है। बैक में आपको इस तरह के प्रिंट मिल जाएंगे, जैसी फ्रंट में प्रिंट थी ना सेम आपको वैसे ही बैक में भी प्रिंट मिल जाएंगे एंड बैक में कोई भी स्लिट नहीं है एंड साइड स्लिट के साथ आपको कुर्ती मिलती है एंड यहाँ आपको थोड़ा सा बस फ्रंट स्लिट मिलेगी। तो कुर्ती जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रही है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छी, मटेरियल भी बहुत ही अच्छी लगी। अगर ये चंदेरी में होती ना तो और भी अच्छी लगती बट कोई नहीं है एंड गोल्डन प्रिंट है तो मे भी वॉश के बाद निकल जाए बट अभी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके साथ ना दुपट्टा बहुत ही अच्छा सा रिसीव हुआ है, आप देख सकते हो इस तरह का दुपट्टा है, बीच में आपको इस तरह के जड़ी वर्क मिल जाएंगे, इस तरह के डॉट्स, सी इस तरह के 2.5 मीटर का दुपट्टा है एंड जॉर्जेट में है दुपट्टा एंड ऑल ओवर दुपट्टे पे ना साइड से आपको इस तरह की गोटा पट्टी मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे दुपट्टा, आप देख सकते हो इस तरह से, मैं आपको पहनकर दिखा दूंगी साइड में तो आप देख लेना, बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है। एंड इसमें जो प्लाजो रिसीव हुई ना वो भी मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की पिंक कलर की प्लाजो है, जैसी कुर्ती है ना सेम वैसे ही प्लाजो भी है, इस तरह की इलास्टिक मिल जाती है आपको, इसमें आप देख सकते हो इस तरह की सिलाई है, सिलाई काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हो एंड प्लाजो की जो बैक पोर्शन है ना आप देखो इस तरह से है, इसमें भी आपको इस तरह के प्रिंट मिल जाएंगे, कुर्ती पे जैसे बॉटम में प्रिंट थी ना वैसी ही आपको यहाँ पे प्रिंट मिल जाएगी एंड दूसरी साइड भी वैसी ही है। प्राइस भी अराउंड 600 to 700 थी। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी तो आप देख लेना, बहुत ही अच्छी गाइज, हाईली रिकमेंड करूंगी। सो गाइज नेक्स्ट जो कुर्ती सेट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये इस तरह की स्काई कलर में है, स्काई ब्लू कलर में है एंड ये कुछ इस तरह की है। इसकी जो फ्रंट के डिज़ाइन है ना बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे, आप देख सकते हो इस तरह के डिज़ाइन है एंड यहाँ आपको इस तरह की डोरी मिल जाती है बांधने के लिए, आप देख सकते हो 3/4 स्लीव के साथ मिल जाएगी। रेयॉन कॉटन मटेरियल है इसका एंड ये जो कुर्ती है ना काफ़ी फ्लेयरी है, आप देख सकते हो इस तरह का फ्लेयर है इसका, सी इस तरह का फ्लेयर है एंड इसमें आपको नीचे गोटा पट्टी मिल जाती है इस तरह से एंड इसकी जो सिलाई है ना वो भी दिखा दो, सी इस तरह की सिलाई है। सिंगल कलर में ये कुर्ती है एंड मुझे सबसे अच्छी ना इसकी जो ये नेक की पोर्शन है ना वो लगी है, आप देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन है एंड जो डोरी है ना वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इस तरह से है। एंड इसके साथ मुझे पैंट भी रिसीव हुई है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की पैंट है, ये इलास्टिक के साथ मिल जाती है। अगेन ये भी रेयॉन कॉटन मटेरियल में है एंड पैंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसकी सिलाई मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की सिलाई है एंड मुझे ये कुर्ती जो है ना बहुत ही अच्छी लगी। बस इसमें ना अगर दुपट्टा होती ना तो और भी अच्छी लगती, बट कोई नहीं दुपट्टा नहीं दिया तो आप व्हाइट कलर के दुपट्टे के साथ इसे मैच कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगने वाली है एंड मुझे ये कुर्ती बहुत ही सही लगी। कलर इसका बहुत ही प्यारा है गाइज, हाईली रिकमेंड करूंगी आपको। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना डार्क पर्पल कलर की ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, UNF ब्रांड की तरफ से है एंड ये कुछ इस तरह की कॉलर के साथ आती है, आप देख सकते हो इस तरह के डिजाइन है स्लीव्स पे, सी इस तरह के डिज़ाइन में स्लीव्स है, कॉलर नेक है एंड नीचे जो फ्लेयर है इसकी ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन में काफ़ी खूबसूरत लगती है एंड फ्रंट में ना आपको इस तरह के बटन्स मिल जाएंगे, एंड में आपको इस तरह के बटन्स मिल जाएंगे एंड बटन जो है ना वो ओपन होती है, ठीक है, जस्ट डिज़ाइन के लिए ये नहीं है एंड ये कुछ इस तरह की है। वेस्ट में ना आपको यहाँ इस तरह की इलास्टिक मिल जाती है जिस वजह से थोड़ी सी ये स्ट्रेचेबल रहेगी एंड ये कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत है गाइज, डार्क पर्पल कलर में है एंड ये ड्रेस मुझे बहुत सही लगी। नीचे आप देख सकते हैं इस तरह की इंटरलॉकिंग दी गई है एंड इसकी सिलाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह की सिलाई है, बहुत ही अच्छी गाइज। एंड ये जो ब्रांड है ना आपको मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, अजियो हर जगह मिल जाएगी, तो ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है एंड अच्छी बात है कि मीशो पे कुछ ब्रांड्स भी आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको इशीन ब्रांड के कपड़े दिखाए थे एंड ब्रांड करके सर्च करोगे ना तो आपको इशीन ब्रांड के बहुत सारे कुर्तीज़ मिल जाएंगे एंड आप UNF की भी सर्च करोगे ना तो अवेलेबल होंगी ना मीशो पे, वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो आपको कुछ और भी लेना हो ना तो आप सर्च कर सकते हो एंड मैं इसकी कोड दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ये लेना चाहो तो कोड के थ्रू इसे आप सर्च कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना ये एक सरारा सेट है एंड ये ग्रीन कलर में है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो इस तरह की कुर्ती है। इसकी फ्रंट में आप देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन है, यहाँ आपको डोरी मिल जाती है फ्रंट में इस तरह से एंड ये आपको 3/4 स्लीव मिलती है एंड यहाँ आप देख सकते हो इस तरह की आपको गोटा पट्टी का वर्क मिल जाता है, वाइट कलर की प्रिंट है इसके ऊपर ऑल ओवर एंड नेक पे भी आपको गोटा पट्टी का वर्क मिल जाएगा। ये जो है ना नी लेंथ तक आपको आएगी, मे बी नी लेंथ से थोड़ी ऊपर ही आएगी एंड बॉटम में आप देख सकते हो इसमें आपको गोटा पट्टी के वर्क मिल जाएंगे, येलो कलर की पाइपिंग दी गई है नीचे की तरफ से एंड इसकी सिलाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सी इस तरह की सिलाई दी गई है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, हाईली रिकमेंड करूँगी गाइज, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो नेक है ना वो बहुत अच्छी है, इस तरह की है एंड यहाँ आप इसे जब टाई करते हो ना तो बहुत ही अच्छी सी यू शेप बनती है एंड बैक जो है ना ये कुछ इस तरह का है, बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी गोटा पट्टी नहीं है, बट हाँ प्रिंट आपको सेम ऑल ओवर कुर्ती पे मिल जाएगी, बैक फ्रंट हर जगह आपको सेम प्रिंट ही मिलेंगे एंड गाइस कलर जो है ना इसकी बहुत ही खूबसूरत है एंड कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ जो मुझे सरारा रिसीव हुई है ना थोड़ी सी प्लाजो की तरह है, बट है ये सरारा इस तरह की है, इस पर आपको फ्लावर एंड लीफ डिज़ाइन की ना प्रिंट्स मिल जाएगी एंड इसकी सिलाई मैं आपको दिखा देती हूँ, सेम इस तरह की सिलाई है, सिलाई भी काफ़ी अच्छी है एंड नीचे जाकर ना ये इस तरह की सरारा बन जाती है एंड बॉटम में अगेन जैसी कुर्ती पे थी ना बॉटम में डिज़ाइन बिल्कुल वैसी ही डिज़ाइन है एंड बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसे पहनते हो। दूसरी साइड भी आपको सेम इस तरह की मिल जाएगी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अच्छी बात ये है कि ये ना आपको एक दुपट्टे के साथ मिलता है एंड दुपट्टा है ना ये कुछ इस तरह की कॉटन में दुपट्टा है, जो कुर्ती है ना वो रेयॉन में है बट दुपट्टा आपको कॉटन में मिल जाती है एंड ऑल ओवर साइड से ना इस तरह के प्रिंटेड कपड़े लगे हुए हैं, जैसी आपको प्लाजो में सॉरी सरारा में दिख रही है ना वैसी ही आपको मिल जाएगी एंड बीच में आपको इस तरह के कलर के गोटा पट्टी मिल जाएंगे, ओके एंड दुपट्टे की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, 2 मीटर का दुपट्टा है तो बहुत ही सही है। पहनकर मैं साइड में दिखा दूंगी एंड मॉडल की इमेज भी डाल दूंगी तो आप देख लेना। तो ये थी गाइज मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग।